कोई एबसेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो फीस कलेक्शन ऑटोमैटिक मार्केटिंग कैसे करेंगे टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना टीचमेंट अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर चाहे जैसी भी जरूरत हो टीचमेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सो सोगइज इस वीडियो में हम बात करेंगे एस बी क्लर्क प्रेलिम्स स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में एस क्लर्क की जो प्रेलिम्स एग्जाम है उसके स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको यहां पर बताने वाला हूं जैसे कि आप सभी को पता है कि यहां पर ऑलमोस्ट आपका एग्जाम कम्प्लीट करा लिया गया और कुछ यहाँ पर जगह जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ था उसको भी बहुत जल्द यहाँ पर कंप्लीट करा लिया जाएगा तो इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या आपके यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और जो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा वो कौन कौन से शिफ्ट में होगा और कौन कौन से शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा ये भी आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कट ऑफ तो तो के बारे में और ये बात करते हैं कि कट ऑफ तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है सो so गस अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में तो कट ऑफ आपके नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिके, डिके, डिपेंड करती है सबसे पहला फैक्टर ये हो गया दूसरा फैक्टर यहां पर होता है कि एग्जाम लेवल कैसा था ठीक है एग्जाम लेवल आपका इजी था मॉडरेट था उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर कट ऑफ वेरी करता है फिर कितने कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे आगे के स्टेप के लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए कितने कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होगा वो भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दू मेन एग्जामिनेशन के लिए फिफ्टी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे बिकॉज जो वैकेंसी है उसके दस गुना यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी यहाँ पर कितने

तो ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम लेवल बनता है वो मॉडरेट हम बोल सकते हैं ठीक है फर्स्ट डे में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था वहाँ पर थोड़ा बहुत इजी टू मॉडरेट एग्जाम था ये भी एग्जाम इजी नहीं था लेकिन इजी टू मॉडरेट था और कंपेयर करें जितने दिन एग्ज़ाम हुए ग्यारह बारह और तेरह को आपके एग्ज़ाम हुए और दस को भी आपके एग्जाम हुए हैं ठीक है तो अगर इन सारे को कंपेयर करें तो इन सब में सबसे इजी आपका यहाँ पर हम बोल सकते हैं दस तारीख वाला एग्ज़ाम था यहाँ पर इजी टू मोडेट बोल सकते हैं इन सारे के कंपेयर में ठीक है ऐसा नहीं बोलना कि यहाँ के जो एग्ज़ाम था दस तारीख का बहुत ईजी था हलवा एग्जाम था ऐसा नहीं है इन तीनों के कंपेयर में ये एग्जाम इजी था ठीक है और तेरह तारीख वाला भी एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का लगभग मॉडरेट लेवल का था और जो बारह ग्यारह एग्जाम हुआ सबसे ज़्यादा हार्ड हुआ है तो जो नॉर्मलाइजेशन है फायदा मिलेगा वो ग्यारह तारीख वाले को मिलेगा बारह तारीख वाले को यहाँ पर मिलेगा तेरह को भी थोड़ा बहुत यहाँ पर फायदा आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में तो बैंकिंग सेक्टर में जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो ज़्यादा यहाँ पर नंबर नहीं बढ़ते हैं ठीक है ठेके? मैक्सिमम आपका दस, दस नंबर बढ़ सकता है मिनिमम आपका यहाँ पर दो ती से तीन नंबर इंक्रीज़ होगा इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता तो पाँच से दस नंबर आप मान के चलो कि यहाँ पर बढ़ता है एस इस सेक्टर में ज़्यादा बढ़ता है वहाँ पर बीस पच्चीस ऐसे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं ठीक है ठेके? तो ये uh, पाँच से दस नंबर आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाता है अगर हम बात कर ले गए यहाँ पर कि जो आपका एग्ज़ाम लेवल हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट के अटैम्प्ट वो कितने आ रहे हैं और टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दिया पाँच हज़ार वैकेंसी है इन सारे के एनालिसिस के बेसिस पे जो आपका सेफ स्कोर होगा उसके बारे में बात करेंगे देखो मैंने तीन कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड किया पहला हार्ड लेवल का डिवाइड किया दूसरा ईजी सॉरी इजी टू मॉडरेट यानी कि मीडियम कट ऑफ स्टेट को अलग रखा है फिर जहाँ पर सबसे कम कट ऑफ जाता है लो कट ऑफ स्टेट जिसको हम बोल सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर अलग रखा है ठीक है तो तीन कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कराए सबसे पहले हार्ड के बारे में बात करते हैं कि जहाँ पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती है वहाँ पर कौन कौन से स्टेट आते हैं मैं स्टेट का नाम बोल रहा हूँ उसके बाद मैं यहाँ का कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ बताऊँगा ठीक है तो स्टेट का नाम आप यहाँ पर ध्यान से सुनना कौन कौन से स्टेट की कट ऑफ आई जाती है ठीक है आई जाती है और हाई इस बार भी रहेगी वैकेंसी के अकॉर्डिंग ठीक है तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है पंजाब ठीक है चंडीगढ़ आता है आपका हाई कट ऑफ स्टेट में फिर आपका आता है उत्तराखंड फिर आपका आता है यूपी और आता है आपका यहाँ पर हरियाणा लास्ट है आपका यहाँ पर दिल्ली ठीक है इन सारे जगह का कट ऑफ क्या है हाई रहता है अगर हम बात करें कट ऑफ की रेंज की तो अगर यूआर कैटेगरी की बात कर ले तो यहाँ पर अगर आपने सेवेंटी से लेकर सेवेंटी फाइव के बीच अटैम्प्ट करा है विथ गुड एक्यूरेसी तो आप मान के चलो कि यहाँ पर आपको मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जानी चाहिए ठीक है अगर इन सारे स्टेट से आपने फॉर्म भराए तो बिल्कुल आप मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में अभी से लग जाओ तो अगर इतने स्कोर आ रहे हैं अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो नेक्स्ट वहीं बात कर ले कि ओबीसी की आपकी जो हाई स्टेट कट ऑफ़ है वहाँ पर क्या रहेगी कट ऑफ तो जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है वो 69 से लेकर 72 के बीच आपका रहने वाला है वहीं नेक्स्ट बात कर ले हम एससी के बारे में तो एससी की जो कट ऑफ है यहाँ पर वो 62 से लेकर 64 के बीच रहने वाला है और जो आपका यहाँ पर एस uh, की कट ऑफ है वो यहाँ पर अगर आप सिक्सटी प्लस भी कर लेते हो तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सलेक्शन हो जाएगा मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में अभी से लग जाओ अब हम बात करते हैं यहाँ पर मीडियम रेंज कट ऑफ स्टेट के बारे में तो अगर हम बात करें मीडियम रेंज कट ऑफ स्टेट के बारे में तो आप उसका नाम ध्यान से सुनना वेस्ट बंगाल आपका आता है मीडियम रेंज में फिर आपका आता है छत्तीसगढ़ भी आपका मीडियम रेंज में आता है फिर मध्य प्रदेश भी आपका मीडियम रेंज कट ऑफ स्टेट में आता है उड़ीसा हो गया फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया नेक्स्ट आपका राजस्थान एंड केरला है ठीक है ये सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ मीडियम रेंज का रहता है ठीक है ना तो ज़्यादा हाई जाता है ना ही यहाँ पर लो जाता है यहाँ पर मीडियम रेंज का कट ऑफ आपका रहता है तो अगर हम यहाँ पर यू आर की बात करें कितने नंबर वाले का सेलेक्शन हो जाएगा देखो तो यू आर अगर यहाँ पर सिक्सटी फाइव प्लस स्कोर कर लेते हैं विथ गुड एक्यूरेसी तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मॉडरेट लेवल में बैठे हो फिर भी आपका सिलेक्शन कन्फर्म है अगर आपने ईजी लेवल में एग्ज़ाम दिया फिर भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन कन्फर्म है ठीक है अगर इतना आप एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर अटैम्प्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट वहीं बात कर ले ओ के बारे में तो ओ का जो यहाँ पर कट ऑफ है वो सिक्सटी वन से लेकर सिक्सटी थ्री के बीच रहेगा ठीक है जहाँ पर मीडियम स्टेट की अगर बात करें तो सिक्सटी वन से लेकर सिक्सटी थ्री के बीच अगर आपका स्कोर रहेगा इतना अटैम्प्ट अगर आपने करा है तो सेफली आप यहाँ से निकल जाओगे वहीं बात कर ले एस के बारे में तो एस की जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फिफ्टी प्लस जिन लोगों ने भी करा है यहाँ पर बिल्कुल वो सेफली निकल जाएंगे अगर बात करें एस की तो एस की जो यहाँ पर कट ऑफ़ है वो यहाँ पर फिफ्टी प्लस रहने वाला अगर आपने 55 फाइव प्लस अटेम्प्ट करा है तो बिल्कुल आप यहाँ से सेफली निकल जाओगे अगर हम बात करें लो स्टेट कट ऑफ के बारे में यानी कि जहाँ की कट ऑफ लो रहती है ऐसे स्टेट के बारे में बात करें तो उन सारे कैटेगरी में आता है आपका यहाँ पर तमिलनाडु महाराष्ट्र आता है तेलंगाना आता है फिर आपका गुजरात आता है और आता है कर्नाटका ठीक है यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम रहती है अब यहाँ पर हम बात करें कितना स्कोर वाला सेफली निकल जाएगा तो यहाँ पर लो स्टेट की बात करें तो यू आर कैटेगरी में ठीक है अगर यू आर कैटेगरी में आपने यहाँ पर 60 प्लस अटैम्प्ट करा है अच्छे एक्यूरेसी के साथ तो बिल्कुल आप यहाँ पर निकल जाओगे अगर हम ओ में बात करें देखो ओ और यू में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता कट ऑफ का ठीक है तो फिफ्टी सिक्स से लेकर फिफ्टी एट के बीच अगर आप अटैम्प्ट करो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर निकल जाओगे आप सेफली ठीक है नेक्स्ट बात कर ले एस के बारे में तो एस में अगर आपने फिफ्टी टू से लेकर फिफ्टी फोर भी करा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफली निकल जाओगे वहीं नेक्स्ट बात कर ले एस के बारे में तो यहाँ पर 50 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट करा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर सेफली निकल जाओगे अगर आपके एक्यूरेसी बेटर है तो ठीक है तो ये इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी है कट ऑफ के रिगार्डिंग पूरा एनालिसिस मैंने करा है और जो कमेंट है उसको पिक करा सबके यहाँ पर स्कोर मैंने देखे हैं जो लोगों ने कमेंट करा है एक्यूरेसी देखा है फिर मैंने जाकर ये वीडियो बनाया है और बहुत सारे लोग और, और भी बड़े बड़े चैनल जो यहाँ पर सर्वे कर रहे थे उनके सर्वे में मैंने जाकर कमेंट देखा कि कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं कितने अटैम्प्ट आ रहे हैं तो सबको एनालाइज करके मैंने ये वीडियो बनाया है उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो और एंड गाइस अगर हम बात कर ले नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो देखो जिस भी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम आएगा ना उस शिफ्ट का क्या होगा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेगा क्योंकि वो शिफ्ट यहाँ पर हार्ड शिफ्ट कहलाएगा और जिसका यहाँ पर स्कोर ज़्यादा आता है एवरेज स्कोर जिस शिफ्ट में उसको यहाँ पर इजी मान लिया जाता है यही यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन का रूल है तो देखो मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको अभी से लगना है ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ अगर आप ये सोच रहे हो कि मेन एग्जामिनेशन की तैयारी में रिजल्ट आने के बाद करूँगा तब आप बहुत लेट हो जाओगे तो अगर आप बॉर्डर पर भी हो ठीक है जो मैंने स्कोर आपको बताया अगर उसके आस भी आपके स्कोर हैं तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए अगर हम बात करें मेन एग्जामिनेशन की देखो रिजल्ट आने के बाद ना आपको मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा तो अभी से ही करना पड़ेगा और तैयारी करो अगर आपके यहाँ पर बॉर्डर पर भी स्कोर है तो और अगर रिज़ल्ट की बात करें तो देखो रिज़ल्ट आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो गया है सबका अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है अभी महाराष्ट्र में कुछ जगह पर एग्ज़ाम पोस्टपोन करा गया तो उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सबके एक साथ ही रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएंगे ऐसा नहीं कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आ जाएगा फिर उसका एग्जाम हुआ तो उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए ऐसा नहीं होगा पहले आप सबका एक साथ एग्जाम होगा कंप्लीट उसके बाद ही आपका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा और एस बी हमेशा ऐसा करता है कि रिजल्ट डिक्लेयर करता है उसके साथ साथ एडमिट कार्ड भी रिलीज कर देता है मेन एग्जामिनेशन का और मेन एग्जामिनेशन जो होना है वो भी आपका यहाँ पर सबका एक साथ होगा बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर हम लोगों का हो गया तो मेन भी क्या पहले हो जाएगा थर्टी जुलाई को तो ऐसा नहीं होगा मेन एग्जामिनेशन और जो आपका रिजल्ट है दोनों एक साथ आएगा सारे एग्जाम का और सारे का मेन एग्जामिनेशन भी साथ में होगा एंड गाइज मेन एग्जाम की जो जनरल अवेयरनेस से कोर्स है यहाँ पर चलाया जाएगा फ्री में आप यूट्यूब पर क्लास ज्वाइन कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से, से लिखना कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हो जो चाहते हैं यहाँ पर फ्री में क्लास करना और नीचे अपने आप मार्क्स भी शेयर करो और ये भी शेयर करो कि आपने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया था तो उससे ये क्लियर हो पाया कि और यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी कितना यहाँ पर आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि अटैम्प्ट यहाँ पर फर्क पड़ता है अगर आपका अटैम्प्ट किसी शिफ्ट में कम आ रहा है और किसी शिफ्ट में ज़्यादा एवरेज अटैम्प्ट आ रहा है तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का अप्लाई किया जाता है फॉमूला और वहाँ पर डिसाइड कर जाता है कि कौन सा आपका हार्ड शिफ्ट है कौन आपका ईजी शिफ्ट है सो so गाइज ये है इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो को जैसे आप शेयर कर देना अपने दोस्तों में और अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना तो मिलते हैं इस अपने अगले वीडियो में तब तक लिए बाय एंड टेक केयर